से नेक्स्ट कॉलर हरी सिंह, स्वागत है आपका जी, बोलिए। मैडम जी, पीठ में दर्द है, पीठ में रीढ़ की हड्डी में। हाँ, पीठ में दर्द है। हाँ, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में, और बस इतना प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम भी है? हाँ, थोड़ा सा गैस बता रहे डॉक्टर लोग। एज क्या है आपकी? 35 वर्ष। ठीक है, 35। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनके भी कमर में या पैरों में, घुटनों में दर्द हो, उनके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़रूरत इस पर पूरी कर सकें। और पीठ का दर्द इस उम्र में होने लगा है और आगे और भी तकलीफ दे सकता है। अगर बाकायदा आप इलाज करना चाहते हैं तो गौंद स्याह असली हासिल करें कहीं से। ये काला गौंद बड़ा कड़वा और नकली भी मिल जाता है, असली लेना ज़रूरी है, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं लेता आपकी। गौंद स्याह आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं, सबसे फ़ायदा करता है। आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें और थोड़ा सब्र करें, ये 5 दिन 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। ज़रा सा संयम हो तो इसे आप लगातार खाएं। 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो आपके रोग जब तक ख़त्म नहीं होता, ये जब तक रोग मुक्त आप नहीं हो जाते। जयपुर से अगले कॉलर हैं हेमा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। उनको एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, मतलब खुजली ज्यादा होती है, इचिंग कभी सही हो जाती है, कभी एकदम ज्यादा हो जाती है। ठीक है। हाँ, ये भी एक रोग है जो देखने में बड़ा ख़राब लगता है कि आदमी कहीं भी बैठा है और वो खुजा रहा है। उस बेचारे को तो आदत पड़ जाती है खुजाने की, लेकिन ये रात में ही परेशानी करती है कि नींद आ रही है और इचिंग हो रही है। आदमी खुजाए या सोए, एक अच्छी दवा भी है इसकी, जिसको जो इस रोग से निजात ही मिल जाती है। जैतून का नमक आता है, एक जैतून का रसायन कहिए, जैतून का नमक कहिए, या एस्टेक जैतून कहिए, ये थोड़ा सा 100-200 ग्राम खरीद लें और 2 चुटकी रोज़ाना सुबह और शाम, जितना चुटकी में आता है, एक एक चुटकी या 2-2 चुटकी। कुछ लोग एक एक चुटकी ले पाते हैं, कुछ लोग 2 चुटकी भी ले पाते हैं। लेना शुरू करें, पानी में मिलाकर आप देखें कि देखते देखते आपको रोग मुक्त कर दिया इसने, और जल्दी फ़ायदा भी हो जाए तो ये 100 ग्राम भी आप लेंगे तो इसे ख़त्म करके ही, ताकि ये और रोग आगे ना बढ़ सके। अगले कॉलर हैं मीना गुरगांव से, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। पूछिए। हाँ, वो 22 साल का है, उसकी एलर्जी की प्रॉब्लम है, पूरे कमर पे मोटे मोटे जैसे फुंसियाँ निकलती हैं, वो हो जाती हैं, बहुत पूरे बदन पे, हाथों पे, बहुत इसकी कलर भी थोड़ा डल पड़ रहा है। मैम मैंने शादी नहीं मोरिंगा, हेलो, नहीं शादी नहीं हुई। हाँ जी मैम, अरे हाँ, मैंने एक मोरिंगा गोंद लिया था, वो वाइट तो नहीं मिला, रेड ब्लैक था, तो वो तो नहीं चलेगा मैम? हाँ देखिए, रेड बिल्कुल नहीं चलेगा, वो नकली होता है। तो अगर वाइट में परेशानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको ज़रूर पहुंचाया जाएगा। बच्चे के लिए आप नमक आता है, एक जैतून का नमक, रसायन जैतून भी कहते हैं और एस्टेक जैतून भी कहते हैं, 1 या 2 चुटकी रोज़ाना पानी मिलाकर 1 या 2 टाइम रोज़ाना दिया करें, आपका बच्चा की एलर्जी वगैरह भी ठीक होना मुमकिन है। अब इसी के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। देहरादून से हैं लक्की हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। 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 हाँ जी, ये डॉक्टर साहब सुलेमान जी से बात करना था जी। जी लक्की भाई, आदाब, बताइए क्या सेवा है जी? बताइए क्या सेवा, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। सर मेरे गर्दन में दर्द है सर। कब से दर्द है, कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरे 55 साल है सर।
ठीक है। देखिए गर्दन दर्द जो है वो बगैर दवा के भी जा सकता है, ज़रूरत पड़े तो दवाई भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन इसमें ज़्यादातर तो फिजियोथेरेपी काम आती है। ऐसा सीधा बैठें, ये ऐसे आपको रोज़ाना 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है, एक साथ नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूँ, तो एक एक मिनट करके करें, आधा आधा मिनट करके करें, लेकिन 3 मिनट रोज़ाना ये एक्सरसाइज करें। और एक ये पूरी तरह से मोड़े, यहाँ तक आ जाती है ये थोड़ी आपकी, इसे ऐसे 3 मिनट ये करें। वैसे तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और दवा की ज़रूरत पड़े तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, सुबह शाम चंद रोज लेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। स्कॉलर चंडीगढ़ से चंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आदाबर जैकिम साहब। आदाबर जनाब, बताइए। सर मैं पहले भी मेरी बात हुई था, मुझे स्पाइन इंजरी भी है, मैंने आपके ऑनलाइन ऑर्डर करके जैतून का सिरका बी केयर गोंद सिया मंगाया था। इसके अलावा मैं शुगर के लिए और स्पाइन के लिए एलोपैथिक की भी दो एक गोलियां दवाइयां लेता हूँ डेली सुबह शाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये गोलियां जो है इनको मैं जब हमारा ये अपना वो पीते हैं, हम सिरका पीते हैं पानी मिला के, उसके साथ ले सकता हूँ मेडिसिन या? ठीक है, हाँ जरूर ले सकते हैं, लेकिन एहतियात ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे ले लें, वैसे 15 मिनट आधा घंटे का फ़र्क कर लें तो आसान है। वैसे तो नुकसान नहीं देता, लेकिन आपकी एहतियात के लिए आगे पीछे ले सकते हैं। और ये जो स्पाइन वगैरह के लिए दवा है, तो कुछ दिन में आपकी छूटी जाएगी, जब आपको फ़ायदा लगने लगे तो कम करते करते, अगर कोई दर्द की गोली खाते हैं तो वो फिर छूट जाएगी बिल्कुल, और कुछ दिन बाद ये गौंसिया वगैरह भी छूट जाएगा। और जैतून का सिरका आपको लेना चाहिए लगातार, और आपसे बात हुई थी पिछले प्रोग्राम में, और अच्छा है आप इतना एक्टिव हैं अपनी सेहत के लिए, इसलिए आप सेहतमंद रह सकते हैं। बात अगले कॉलर से, दिल्ली से हैं प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सवाल करिए। राज्य से बात करनी थी जी। प्रकाश जी आदाब। हाँ जी राज्य, मैं आपका जैतून सिरका ले रहा हूँ और गोंद सिया। ठीक है, तो वो मुझे जो जैतून का सिरका है गर्म पानी में लेना है या ठंडे पानी में, ताजे पानी में? ठीक है, और कोई सवाल? बस ये है जी, गोंद सिया तो मैं आपकी खा रहा हूँ, जैतून के सिरके का पता नहीं लग रहा था गर्म पानी से लेना है ठंडे पानी से, आपके यहीं से ही मंगाया था। कुछ फायदा शुरू हो गया आपको, कितने दिन से ले रहे? फर्क मैं जो हो गए 20 दिन फर्क है जी। ठीक है प्रकाश जी, देखिए आप इतना एक्टिव हैं इसीलिए आपको फ़र्क है, हर बात गौर से सुनते हैं, और आपने ये भी बात पूछ ली कि गर्म पानी से लेना है ठंडे पानी से, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत एक्टिव, और ज़िंदगी एक्टिव होने का ही नाम है। आप ठंडे से भी ले सकते हैं, गर्म से भी ले सकते हैं, गर्म पानी से ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और जैसे आपको गौंसिया से फ़ायदा होने लगा, ये असली गौंसिया आपने लिया, और ऐसे ही रोज आना, ज़रा सा फ़ायदा होगा। ये यूनानी की अच्छी बात समझ लीजिए या बुरी बात समझ लीजिए कि रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा होता है, और फिर वो इकट्ठा होकर पूरा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये सेफ है। हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हम भी आपको एक दिन में पूरा फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के नुकसान तो आपको पता नहीं, हमें मालूम है, तो हम उसी रूप में ये रॉ मटेरियल देते हैं आपको, जिस रूप में आता है, इसको इतना तेज़ नहीं करते कि आपको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो जाए, बाद में इतने नुकसान हो जाए। बस यही फ़र्क है यूनानी और दूसरी पैथियों में। आपको बहुत मुबारक, आपको फ़ायदा शुरू हो गया। दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर हरी सिंह, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैडम जी पीठ में दर्द है, पीठ में रीढ़ की हड्डी में। हाँ, पीठ में दर्द है। हाँ, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में, और बस इतना प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम भी है? हाँ, थोड़ा सा गैस बता रहे डॉक्टर लोग। एज क्या है आपकी? 35 वर्ष। ठीक है, 35। ठीक है ठीक है,
अच्छा देखिए, जिनके भी कमर में या पैरों में घुटनों में दर्द हो, उनके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत इस पर पूरी कर सकें। और पीठ का दर्द इस उम्र में होने लगा है और आगे और भी तकलीफ़ दे सकता है। अगर बाकायदा आप इलाज करना चाहते हैं तो गौन स्या असली हासिल करें कहीं से। ये काला गौन बड़ा कड़वा और नकली भी मिल जाता है, असली लेना ज़रूरी है, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं लेता आपकी। गौन स्या आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं, सबसे फ़ायदा करता है। आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें और थोड़ा सब्र करें, ये 5 दिन 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। ज़रा सा संयम हो तो इसे आप लगातार खाएं। 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो आपके रोग जब तक ख़त्म नहीं होता, ये जब तक रोग मुक्त आप नहीं हो जाते। अगले कॉलर हैं दिल्ली से कंचन सेठी। स्वागत है आपका कंचन जी। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। हाँ जी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है मैम। कब से है ये? 5-6 ईयर्स हो गए हैं। आपकी एज कितनी है? 35। ठीक है। देखो बेटा, ये रोग ठीक भी हो सकता है अगर आप ठीक से मेरी बात सुने, बल्कि ठीक से मेरी बात लिख लें। कुछ हम गलती करेंगे याद करने में उसकी क्वांटिटी नुस्खे की, तो हम फिर फ़ायदा ना हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। तो लिख लें, पेन कॉपी आपके पास ज़रूर होगा। 300 ग्राम धनिया का दाना जो किचन में होता है, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, ये सूखा हुआ मिलता है, सूखा हुआ आंवला, और 100 ग्राम मेथी का दाना, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना। देखिए अभी फ़ोन आया था कि उन्होंने लाल वाला ले लिया था, वो नकली होता है, कुछ फ़ायदा नहीं करता। गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना है, 100 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाए और 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ लें तो बहुत फ़ायदा होता है। और वो दवा भी खाएँ जो डॉक्टर ने आपको दी हुई है, और धीरे धीरे वो दवा की पोटेंसी कम होगी, जो डॉक्टर ने दी है उसकी कम होती जाएगी, और 7-8 महीने शायद लग जाए आपकी वो दवा छूटनी चाहिए, और ये नुस्खा भी छूटकर आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगले कॉलर जम्मू से मोहन सिंह। स्वागत है मोहन जी। नमस्कार जी। जी आदावर। हेलो सर। जी मोहन जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल था, मुझे मेरे ना घुटने से नीचे जो है वो सुन रहता है, कोई कांटा चुभ जाए या कट जाए कोई पता नहीं चलता। कब से है ये? क्या एक साल से? तो देखिए मोहन जी, याद रखें कि ये आपको रोग क्या है ये समझ लें पहले। हमारी कमर में नर्व दबी रहती हैं, उसकी वजह से खून जो जाना चाहिए तेज़ी से वो कम जाता है, रुकता है। इसकी वजह से हमारे पैर सुन होते हैं, दर्द होता है, या जलन होती है, या खिंचाव होता है। ये चार रोग एक ही रोग का मतलब है, साइटिका। साइटिका मतलब कमर में नसों का दबा हुआ होना। अब इसके लिए आपको एहतियातन तो कई काम करने हैं। एक तो ये कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना है, अगर नहीं है तो वो लगाना ज़रूरी है, उससे पहले आपको फ़ायदा मुमकिन नहीं है। दूसरे, वज़न वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना है, बहुत मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, और या तो गौन स्याह मिल जाए, असली काला गौन आता है जो नकली बहुत मिलता है, आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे भी आपके हालात हैं, असली लेना शर्त है, और ये आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। याद रखें पहले आपकी सुन की जगह दर्द आएगा, जहाँ सुन हो रहा है अभी वहाँ पर दर्द आ जाएगा, तो घबराएं नहीं और फिर इसे खाते जाएं। 4-5 महीने लगने चाहिए, और अगर ये गौन स्या असली ना मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खा सकते हैं, टी फॉर टाइगर, इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है।
कॉलर हैं हरीश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। आपका सवाल? शुगर है मेरे को। कब से? काफी दिन हो, काफी साल हो गए। ठीक है, आपकी एज क्या है? 68। ठीक है। और देखिए शुगर वाले समझ लें कि डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज कहीं नहीं है। एक दवा आप खाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी दवा है जो आप खाते हैं। सभी लोग एलोपैथिक दवा लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जहाँ कोई चीज़ में अच्छाई होती है वहाँ कहीं ना कहीं ये परेशानी भी होती है कि अगर वो केमिकल से पाक नहीं है तो हमें नुकसान देने लगती है। शुगर का रेशो बढ़ता जाता है, दवा का रेशो बढ़ता जाता है और हमारी ज़िंदगी नुकसान में आ जाती है। एक दवा ऐसी है जहाँ हम जो आप दवा लेते हैं उसके साथ ले सकते हैं, जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या दोपहर खाने के बाद या रात को और रात को खाने के बाद पानी में ही मिला कर लें। एक गिलास पानी में छोटे टीस्पून चाय के चम्मच जिन्हें कहते हैं लिया करें, आपकी शुगर स्थिर रहेगी। आप तमाम ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो जैसे नॉन डायबिटिक गुजारता है। शुभम जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी बोलिए शुभम। हाँ मैम, ये मुझे बात कर लीजिए, बाबा जी हमारे। हमको जो है वो शुगर बीपी दोनों है और हाथों पैरों में नसें जो है थोड़ा सुन्नपन रहता है। ठीक है ठीक है, एज बता दीजिए। और ये एज हमारी 75 पार बहुत पूरा हो चुकी है, 76 चल रही। देखिए बुजुर्ग हैं आप हमारे और बहुत सम्माननीय हैं, खूब अपना ख्याल रखें। और इन दोनों रोगों के लिए एक दवा है लेकिन काम दो करती है, बल्कि काम तो बहुत सारे करती है लेकिन मेन जो दो काम दो रोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। जीवन भर लें मैं तो कहूँगा। जैतून का सिरका आता है 3 चम्मच रात के समय पानी में मिला के लिया करें, और बहुत ज़्यादा शुगर बीपी है तो सुबह को भी ले सकते हैं आप, दोपहर को ले सकते हैं एक खुराक और 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के रोज़ लिया करें। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो धूप में कुछ देर पैदल चला करें, वैसे तो 1 घंटा चलना चाहिए, अगर नहीं चल सकते तो धूप में बैठ जाया करें। और ये जीवन भर नुस्खा लें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर गाजियाबाद से हैं, मधु शर्मा, स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जी बताइए। मेरे को ना 1-1.5 महीने से मतलब पीछे कंधे में दर्द है और हाथ में दर्द है काफी। एज क्या है आपकी? मेरी 36। ठीक है बेटा मधु, आपको बहुत घर की जिम्मेदारी है क्या, सच बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो आपके हाथ में और कंधे में दर्द है उस हाथ से जोर वाला काम ना करें, वजन वाला काम या मुश्किल वाला काम बिल्कुल नहीं करें, और हो सके तो किसी 2-3 महीने के लिए ये जिम्मेदारी जो भारी काम की है वो किसी और को दे दें अगर जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। और सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ एक ख़ानदान में एक बहू का क्या कर्तव्य है वो निभाते निभाते आप खुद रोगी मत बनिए, कुछ दिन कोई और जिम्मेदारी संभाल लें। आपके परिवार से मेरा निवेदन है कि इनको काफ़ी तकलीफ़ है, और या तो आप देखिए गोंद स्याह लीजिए आधा आधा ग्राम सुबह शाम, ये काला गोंद मुश्किल से मिलता है, नकली मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दूध से लें आप, ठीक है। और उस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करें जिस मोंढे में कंधे में दर्द है, ठीक है। और ये नहीं मिले ये नकली मत ले लेना, बहुत नकली मिलता है, असली लेना है, कड़वा होता है जायके में। और ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं, और इस उम्र में इतना दर्द नहीं होता बगैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए तो आप बहुत जल्दी फायदे में आ सकती हैं। बिहार से अगले कॉलर हैं अंकित हमारे साथ, स्वागत है अंकित जी। हाँ
हेलो जी। हेलो, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 19 साल है और बचपन से ही मुझे हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है। काफी ज्यादा हाथ और तलवे से पसीना निकलता है। तो प्लीज इसका बताए। 19 साल एज है। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल कर सकें और मेरी बात समझ लें, बल्कि लिख लें तो बहुत अच्छा है। जैतून का नमक आता है जिसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कह सकते हैं हिंदी में। ये एक या दो चुटकी एक गिलास पानी में डाल के सुबह लिया करें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी ले सकते हैं। जैसा आप आसान समझे, एक किसी को एक ही चुटकी फ़ायदा करती है एक बार में, किसी को दो चुटकी फ़ायदा करती है। अगर आपका जैसा आप या अपनी दवा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं दो दो चुटकी बताता हूँ, आप एक एक चुटकी लेना शुरू करें और आपको फ़ायदा मुमकिन। नेक्स्ट कॉलर शिवराम शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जय हिंद। हेलो जी, आदाब। हाँ जी, मेरे को ना घुटने में दर्द है सर। एज है मेरी 70 सर। कब से दिक्कत है ये? कोई 2 साल से है सर। ठीक है। हाँ देखिए, आसान इलाज है, बात समझने की है। आप समझ लें और लिख लें। आप लिख नहीं सकते तो किसी बच्चे से लिखवा लें। गौंद सिया आता है, काला गौंद के नाम से, और असली लेना है, नकली का बड़ा बाजार गर्म है। असली लें, 100 ग्राम भी मिल गया तो आपका काम हो गया समझ लीजिए। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, बगैर चर्बी के दूध से लिया करें या पानी से लिया करें। शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, 23 आदमी हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। और ये असली लेना है, नकली ना ले लें, कड़वा होता है जायके में। और असली ना मिले तो फिर कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, सुबह शाम खाने के बाद आपको फायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है वंदना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। वो शुगर की दवाई खा रही हूँ ना, एलोपैथिक, तो इसका कोई असर मतलब कहने का तो नहीं, साइड इफेक्ट बहुत होता है, तो इसलिए पूछना चाहती हूँ मैम। शुगर कब से है आपको? शुगर मुझे हो गया 8 साल। और आपकी एज क्या है? एज मेरी है 64। तो थोड़ा थोड़ा ना पीठ वीट दर्द होती है, थोड़ी थोड़ी पीठ में ना, ज्यादा इसलिए कि ये लॉकडाउन में वो काम वाम हो गया ना ज्यादा घर का, क्योंकि लेट को नहीं आने दे रहे थे हम। जी जी वंदना जी, भगवान आपकी सुरक्षा करे, और उन लोगों की खास तौर पर जिनको डायबिटीज है, और खूब अपना ख्याल रखा करिए। लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम आई, तो देखिए एक जो दवा खाते हैं आप शुगर की, वो खाते रहें। और ये एक जो मैं बताता हूँ आपको, जैतून का सिरका 3 चम्मच रात में पानी में मिलाकर ले लिया करें, छोटे चाय के चम्मच, आपका जीवन आसान होगा। शुगर का रोग मुस्तकिल ख़त्म नहीं होता, इसकी दवा जीवन भर खानी पड़ती है, लेकिन ये शुगर की दवा से होने वाले नुकसानात को रोकता है, पेट को ठीक रखता है, लीवर को ठीक रखता है। शुगर का हमला आँखों पर नहीं होने देता, लीवर पर, दिल पर, ये 3 जगह शुगर हमला करती है। आप ये 3 चम्मच दिन में एक बार या 2 बार पी सकते हैं, पानी मिलाकर खाने के पश्चात लेना इसका चाहिए, आप स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर शिवानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ हम शिवानी गुप्ता की मम्मी बोल रहे हैं। सिमरिया को हमारे परेशानी ही रहती है, उसको मतलब पेट नहीं साफ होता है और पूरा मतलब सर गर्म रहता है, और जब भी लेट भूख भी नहीं लगती है, दो दो दिन तक पेट नहीं साफ होता है, जब साफ होता है मतलब दिन में 3-4 बार लेट रह जाती है। शिवानी की एज बताएंगे बच्ची की? 19 साल। अच्छा, 19 साल। ठीक है ठीक है। अच्छा आप मेरी बात गौर से सुने, अगर शिवानी मौजूद हैं तो वो लिख लें, एक आसान नुस्खा है। इतनी कम उम्र में इतनी परेशानियां नहीं होनी चाहिए, अभी तो इसकी शादी करनी भी बाकी है। तो क्या हम रोगी
बच्ची की शादी तो कर नहीं सकते। तो आप नुस्खा लिखिए जल्दी से। देखिए सौंफ, सौंफ आप समझती हैं, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। फिर से कहता हूँ, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और इसमें 100 ग्राम नमक जैतून, एक रसायन जो नमक जैतून के नाम से हम खरीद सकते हैं, या रसायन जैतून के नाम से, या इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून कहते हैं। 100 ग्राम इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाना है, बाहर से पिसा पसाया बिल्कुल ना लाएं, और एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दें और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें इस बच्ची को। बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। फिर भी ये सारा मटेरियल जो मैंने आपको बताया ख़त्म होने तक खिलाएं, चाहे उनको जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बेशतर लोगों को अगर जल्दी फ़ायदा हो जाए तो लगातार खिलाते रहें ताकि इस रोग का नाश हो सके। नेक्स्ट कॉलर हैं चेतन जी, स्वागत है आपका। जी सर, बताइए प्रश्न करिए अपना। सर भाई प्रश्न है, मेरे पुत्र है 15 वर्ष का है, सर वो एक दुबला पतला है और सर इसके हाइट भी थोड़ी कम है, ठीक है, और एक एक प्रश्न और है सर। जी जी बताइए। क्या मेरी पत्नी है उसके क्या दाद हो रहे हैं, उसका भी इलाज चाहिए। ठीक, देखिए आपके बच्चे के लिए जो 15 साल का है एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, अगर आप इस्तेमाल करें, रोज़ाना एक नारियल पानी खरीदें, उसका पानी गिलास में निकालें, और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला ही लेना है जो बच्चे को फ़ायदा करना है जिसको, गौन मोरिंगा सफ़ेद ये रॉ मटेरियल मिलता है, आधा ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी मिलाकर उसको पिलाया करें। बच्चे की लंबाई, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का दिमाग, बच्चे के बाल, बच्चे की आँखें, बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। दिन में एक बार पिलाया करें और इसको फ़ायदा मुमकिन है। आपकी पत्नी को क्या मर्ज था? दाद। दाद जी। नमक जैतून आता है, नमक जैतून 100 ग्राम खरीद लें, एक दो चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर पिलाया करें। ये रसायन है, जैतून का रसायन पानी में मिलाकर पिलाया करें, आपकी पत्नी को भी फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं इंदौर से अंकिता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरा हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उसके लिए कुछ उपाय? और देखिए बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं कि चुपके से पिला दो, खामोशी से खिला दो और दवा छूट जाती है और ये शराब छूट जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। जब तक वो अपना इरादा मजबूत नहीं करेंगे जब तक छूटना नामुमकिन है, और या फिर जब तक गैरतमंद नहीं होता आदमी, उसमें गैरत आ जाए, किसी माँ की बात मान ले या पत्नी की बात मान ले या जो भी घर में बड़ा रिश्ता है उससे लज्जा करें और मान लें, बगैर हौसला किए शराब छूटना बहुत मुश्किल है। और उन्हें अपनी फैमिली के बड़ों से समझाइए और बच्चों का वास्ता दीजिए, भगवान का वास्ता दीजिए। एक तरीका है ऐसा कि आप अगर उन्हें नशा छोड़ना भी ना पड़े और छूट भी जाए, जैतून का सिरका 3-4 चम्मच एक गिलास में मिला के और उसमें पानी डाल दें, ये देखने में शराब जैसा लगता है। अच्छा, इसमें वो नशा नहीं होता जो शराबी को चाहिए, लेकिन वो नशा होता है जिससे सुकून होता है। आदमी को इतना सुकून होता है कि वो आराम की नींद सो जाता है, बहकी बहकी बातें नहीं करता, इसमें बहकने का पदार्थ नहीं है। तो और वैसे ही उन्हें रोज़ पिलाया करिए जैतून का सिरका, चखना रख दीजिए उनके सामने, जैसे चना पने ये नमकीन चीज़ें रखते हैं, वो पीते रहें खाते रहें, कितना भी पी लें उनको नुकसान नहीं होगा, सुकून मिलेगा। अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाएं तो उनकी शराब छूट सकती है।